नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, टाइप ग्लोसियो के विषय में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या आपने इस दवा का ट्रायल किया, क्या किसी पर इसका इलाज हुआ या फिर ये इस दवा का किसी पर प्रयोग किया गया या कहाँ पर ये अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी ये दवा मार्केट में नहीं आई है और मार्केट में जब आएगी तो आपको सभी को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वैसे भी ये एक ऐसी दवाई है जो चमत्कार होगी दांतों के लिए, तो इसका तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वर्ल्ड में पूरा प्रचार हो जाएगा, टीवी चैनल वगैरह चिल्ला चिल्ला कहेंगे, तो ये जानकारी आप तक किसी ना किसी माध्यम से पहुँचे जाएगी। अब कुछ सवाल आ रहे हैं कि क्या सर आपने इस दवा का प्रयोग किसी पर किया है, तो मैं उनको बतला दूँ मैंने इस दवा का कुछ भी प्रयोग नहीं किया। मैं भी वही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं जो मुझे नेट के माध्यम से मिलती है। पर जैसे कि आपने कहा है कि इस दवा का प्रयोग किया है, भाई देखो, जो ह्यूमन ट्रायल होते हैं उसमें दवा का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी दवाई मानव शरीर के लिए घातक है या नहीं है, कितनी घातक है, इसके क्या परिणाम होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो ये सब देखकर ही दवा को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। एक सवाल था टाइप ग्लोसियो जो कैप चढ़े हुए दांत है उनकी मरम्मत कर देगा क्या। तो दोस्तों, जो ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि जैसे कि किसी इंसान को कैप चढ़ी हुई है, अब कैप चढ़े दांत पर टाइप ग्लोसियो प्रयोग करके देख रहे हैं, तो उससे रिजल्ट जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा और उसी के आधार पर मैं भी कह पा रहा हूँ। तो ये दवा घिसे हुए दांतों की मरम्मत कर सकती है और ये सब बातें जिस पर ट्रायल हुआ, भाई ट्रायल हो रहे हैं, कह रहे हैं किसी पर इस दवा का प्रयोग किया, किसी ने इस दवा का इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बतला दूं ट्रायल चल रहे हैं और ये दवा का इस्तेमाल उन पर हो रहा है। अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोग हैं जिनको अलग अलग मात्रा में दवा दी जा रही है और हर किसी की समस्या अलग अलग है। जैसे दो ग्रुप बना दिए, इसमें जाड़ों की प्रॉब्लम है, किसी के कैप लगी हुई है दांतों में, किसी का जैसे कि रूट कैनाल हुआ है उस पर भी प्रयोग करके देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अवशेष बच जाए दांत का तो वहाँ से दांत उगा सकती है ये दवा। भाई ये एक सेल्स मिल जाए इसे, उस सेल्स को भाई आपके दांत में जहाँ रूट कैनाल हुआ वहाँ पर सिर्फ रूट का एक सेल्स मिल जाए, फिर ये दवा उस सेल्स को एनर्जी देगी, एक कोशिका से दो कोशिका और फिर बहुत सारी कोशिका, मतलब एक पूरा युग्म बन जाएगा और जिससे दांत का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार टाइप ग्लोसियो बहुत सारे तरीके से इंसानों को दी जा रही है, उन्हें फायदे हो रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट आ रहे हैं और लगभग एक डेढ़ साल बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप भी जानते हो कि कोई भी दवा है, जैसे टीथ की दवाई है, आपके दांत समय लेते हैं ना उगने में, उसी प्रकार से ये काम भी बहुत समय लेता है और इसीलिए इसमें देरी हो रही है। और अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि ये दवा मार्केट में कब आएगी। तो दोस्तों, कुछ सवाल थे जिसका मैंने बहुत सारे सवालों को एक साथ जोड़कर उनका जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ कि ये जवाब आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपके मन में कोई और शंका है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।